वेलकम बैक इन द एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम प्लेलिस्ट। और आज मैं बात करने वाला हूँ रेंडमाइज्ड एल्गोरिथम के बारे में। नाम से पता चला रेंडमाइज यानी रेंडमली पिक करती है बिट्स को टू इन्फ्लुएंस इट कंप्यूटेशन। तो इसकी डेफिनेशन बात करें, डेफिनेशन प्रॉब्लम कि इट इज डिफाइंड एज द एल्गोरिथम डैट इज अलाउड टू एक्सेस अ सोर्स ऑफ इंडिपेंडेंट अनबाइस्ड रेंडम बिट एंड इट इज देन अलाउड टू यूज रेंडम बिट टू इन्फ्लुएंस इट्स कंप्यूटेशन। सो ये कौन सी क्लास को बिलोंग करती है? तो इट बिलोंग्स टू द क्लास ऑफ प्रोबेबिलिस्टिक एल्गोरिथम। नीड ऑफ रेंडमाइज एल्गोरिथम की क्या नीड है हमें आखिर इसकी चीज़? तो हम बात करें इसका यूज कहाँ पे होता है। तो क्या करता है, इट यूजेस द यूनिफॉर्मली रैंडम बिट्स ऑन द इनपुट टू अचीव गुड परफॉर्मेंस इन द एवरेज केस ओवरऑल पॉसिबल चॉइस ऑफ रैंडम बिट। यानी एवरेज केस के अंदर ही आपको गुड परफॉर्मेंस चाहिए तो आपको ये यूज करना चाहिए। लाइक देखिए, आप क्विक शॉट होता है, जैसे क्विक शॉट के अंदर क्या होता है, बेस्ट केस ही वर्स्ट केस हो जाता है। तो वो चीज़ को हमें कैसे रेंडमाइज में एल्गोरिथम को यूज कर ले ताकि हमें एवरेज केस में गुड परफॉर्मेंस का बेनिफिट मिल सके। तो इसके अंदर दो क्लास होती है। देखो मैं बात करूँगा क्लास की रेंडमाइज एल्गोरिथम में। पहली होती है लास वेगास एंड सेकेंड है मोंटे कार्लो। तो हम पहले बात करेंगे लास वेगास के बारे में, फिर मैं आऊँगा मोंटे कार्लो और दोनों में क्या डिफरेंस है दोनों के बारे में बताऊँगा, इसके एप्लीकेशन के बारे में और इसके कंपोनेंट के बारे में भी बताऊँगा। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारी क्लास है लास वेगास एल्गोरिथम। ये क्या करती है, इफ़ इट ऑलवेज रिटर्न द करेक्ट आंसर, यानी करेक्ट आंसर होगा तभी रिटर्न करेगा। ये इसका एक बेनिफिट है लास वेगास का कि करेक्ट आंसर पे ही ये रिटर्न करता है। दूसरी बात की बट इट्स रन टाइम बाउंड होल्ड ओनली इन द एक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्टेशन में ही होल्ड करेगा केवल, इसलिए इसको कहते हैं लास वेगास एल्गोरिथम। और हम कह सकते हैं करेक्ट आंसर को भी बोल सकते हैं या फिर बोल सकते हैं कि इन्फॉर्म अबाउट ए फेलियर। तो लास वेगास क्या करता है, करेक्ट आंसर पे ही रिटर्न करेगा या फिर इन्फॉर्म करता है हमें अबाउट द फेलियर। अब जैसे कि रेंडमाइज क्विक शॉट, आपने क्विक शॉट पढ़ा है, अब इसी के अंदर जैसे हम रेंडमाइज क्विक शॉट पढ़े तो उसको देख लेते हैं। तो सिंपल है, रेंडमाइज क्विक शॉट सिमिलरली ये उसी की तरह है सेम, थोड़ा सा इसके अंदर डिफरेंस है, मैं बताऊंगा क्या डिफरेंस है। तो वही हमारी क्विक शॉट की सेम ये अपनी एल्गोरिथम देखने को मिलती है, बस इसके अंदर पाइवट का रखा है रेंडम एलबी कोमा यूबी, यानी कि पाइवट एलिमेंट है जो रेंडमली चूज करेगा जिस कारण बेस्ट केस जो वर्स्ट केस बना था उसके अंदर गुड परफॉर्मेंस का काम करेगी रेंडमाइज क्विक सॉर्ट। और इसको ये यूज करता है, इसके लिए इनबिल्ट फंक्शन होता है जिसको हम बोलते हैं रेंड। तो रेंड फंक्शन ये यूज करता है विच गिव्स ए रियल वैल्यू बिटवीन 0 एंड 1 जनरेटेड बाय द सुडो रेंडम नंबर जनरेटर। तो एक एग्जांपल देख लेते हैं, उससे समझने की कोशिश करते हैं कैसे होता है। उससे पहले मैं बताऊँ इसका एक फॉर्मूला होता है, तो ये होता है रेंडम एक्स कोमा वाई, यानी कि पाइवट को कैसे सिलेक्ट करेगा ये, तो उसके लिए करेगा रेंडम एक्स कोमा वाई, एक्स शुड बी लेस देन वाई, देन रिटर्न क्या करेगा एक्स प्लस रेंड फंक्शन मल्टीप्लाई एक्स माइनस वाई, यानी कि ये पाइवट आपको इसके थ्रू मिलने वाला है। एग्जाम्पल देखते हैं उसके थ्रू कैसे मिलने वाला है। तो हियर वी गो गाइस, यानी कि 2 और 8 के बीच में रेंडम नंबर है, तो इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो इसको 2x को रेंड फंक्शन 8 माइनस 2 यानी 6, तो इसको या तो 0 और 1 के बीच में कंसिडर करें तो इसको 1 लेके चलते, 1 लेके चलते तो ये कितना हो गया 6 मिलेगा यहाँ से। और अगर इसको 0 लेके चलते हैं मिनिमम के केस के अंदर तो यहाँ पे 2, क्योंकि ये मल्टीप्लाई करेगा तो ये 0 हो जाएगा, तो 2 यहाँ पे मिलता है मिनिमम के केस में और मैक्सिमम के केस में 8 मिलता है। तो पाइवट 2 या 8 में से ये चूज कर लेता है। तो ये थी हमारी लास्ट वेगास एल्गोरिथम जिसके अंदर हम इनबिल्ट फंक्शन रेंड को यूज करते हैं और रेंडमाइज क्विक सॉर्ट के अंदर पाइवट को रेंडम एलबी कोमा यूबी वाले से यूज करते हैं। अब मैं बात करूंगा मोंटी कार्लो के बारे में, मोंटी कार्लो कैसे वर्क करती है। तो हमारी मोंटी कार्लो एल्गोरिथम के लिए इट इज वन हुज रनिंग टाइम इज डिटर्मिनिस्टिक बट हुज आउटपुट मे बी करेक्ट, मे बी करेक्ट, करेक्ट नहीं मे बी करेक्ट कह रही है, ओनली विद अ सर्टेन प्रोबेबिलिटी, यानी कि इसका आंसर करेक्ट हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, लेकिन एक चीज़ की गारंटी ये दे रहा है कि रनिंग टाइम है वो इसका डिटर्मिनिस्टिक होने वाला है। और बात करूँ कि मोंटे कार्लो मेथड आर द क्लास ऑफ कंप्यूटेशन एल्गोरिथम दैट रिले ऑन द रिपीटेड रैंडम सैंपलिंग टू द कंप्यूटर देयर रिजल्ट। ओके, अब ये क्या है कि मोंटे कार्लो पैटर्न चार, मतलब चार पॉइंटों को या चार पैटर्न को फॉलो करती है। तो पहला है कि कंप्यूटेशन इन द फाइनल रिजल्ट, सेकंड वन जनरेट इनपुट रेंडमली फ्रॉम द डोमेन, थर्ड वन परफॉर्म ए डिटर्मिनिस्टिक कंप्यूटेशन यूजिंग इनपुट, एंड हमारा फोर्थ वन है एग्रीगेट द रिजल्ट ऑफ द इंडिविजुअल कंप्यूटेशन इन टू द फाइनल रिजल्ट। ये चार इनके पैटर्न इनको ये नॉर्मली फॉलो करता है। तो एक बात आपको और बता दूँ, मोंटे कार्लो है वो जो भी डिसीजन प्रॉब्लम है उसके बाद दो सब टाइप होते हैं, एक तो होता है वन साइडेड एरर और दूसरा होता है टू साइडेड एरर। तो इनमें डिफरेंस क्या होता है वो भी देख लेते हैं। अगर मैं बात करूँ वन साइडेड एरर की तो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने पूछा कि समवन फेल्ड, कौन हुआ फेल्ड, तो
ज़्यादातर बच्चे 100% लोग यही बोलेंगे कि कोई नहीं हुआ क्योंकि हमें नहीं पता कौन फेल हुआ है, तो नो 100% करेक्ट में आता है। अब जैसे कुछ बोल सकते हैं कि मे नॉट बी करेक्ट एवरी टाइम, यानी कि समटाइम कोई तो फेल हुआ होगा ना, तो उस केस में यस आ जाता है। तो वन साइडेड है क्योंकि एक साइड में 100% ही दे देता है। अब दूसरा यही देखते हैं टू साइडेड के अंदर कैसे कहता है, हु विल डू टॉप, ये क्वेश्चन पूछा मैंने, तो सभी बोलेंगे यस मैंने किया है, लेकिन सबके मन में तो रहता है कि हाँ नहीं नहीं करूँगा मैं, लेकिन बोलने में क्या जा रहा है, मैं तो करूँगा। तो ये हो गया डबल साइडेड गेम खेलना, एक हो गया वन साइडेड यानी कि क्लियरली खेले कि कोई फेल नहीं हुआ, दूसरी साइड में आपने बोल दिया ऊपर मुंह मुंह से बोल दिया लेकिन मन के अंदर है कि हाँ नहीं कर पाएंगे। तो ये होता है वन साइडेड टू साइडेड एरर। अब मैं डिफरेंस के बारे में बात करूँगा, उससे पहले बात करूँगा एप्लीकेशन ऑफ मोंटी कार्लो। अगर मैं बात करूँ एप्लीकेशन ऑफ द मोंटी कार्लो, तो पहली बात तो ये फॉर सिमुलेटिंग फिजिकल एंड मैथमेटिकल सिस्टम, पहली बात तो ये फिजिकल एंड मैथमेटिकल सिस्टम में काम आता है। दूसरा यूज व्हेन इट इज़ इनफेंसिबल एंड इम्पॉसिबल टू कंप्यूट एन एग्जैक्ट रिजल्ट विद द डिटर्मिनिस्टिक एल्गोरिथम। थर्ड वन है यूज फॉर द मॉडलिंग फिनोमेना ऑफ सिग्निफिकेंट अनसर्टेनिटी इन इनपुट। इसके तीन कंपोनेंट होते हैं एरर एस्टिमेशन, दूसरा है वेरियंस रिडक्शन टेक्निक, और थर्ड वन है कि पैरालाइजेशन एंड द वेक्टराइजेशन। अब मैं बात करूँगा डिफरेंस बिटवीन द मोंटी कार्लो एंड द लास वेगास। तो यहाँ पे सिंपली तीन है, पहला ये कहता है कि रिजल्ट ऑफ एल्गोरिथम हैज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग करेक्ट, यानी करेक्ट हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, मोंटी कार्लो मैंने पहले भी बताया था। लास वेगास में 100% चांस है कि ये करेक्ट होगा रिटर्न करेगा। तो दूसरा कहता है कैन बी बाउंडेड बाय द रिसोर्स यूज्ड दैट इज रन टाइम कैन बी फाउंड। हाँ रन टाइम मैंने बताया था कि डिटर्मिनिस्टिक होता है मोंटी कार्लो का। इसके अंदर बात करें तो रैंडम वेरिएबल हैंस रिसोर्स यूज कैन नॉट बी फाउंड। थर्ड वन है कि एरर प्रोबेबिलिटी इज डिक्रीज बाय द रिपीटेटिव टाइम एप्लीकेशन दैट इज एट द कॉस्ट ऑफ रन टाइम। एंड बात करें लास वेगास की तो रन टाइम कैन नॉट बी इम्प्रूव्ड रादर रेंडमाइज कैन बी मेड एफिशियंट। तो ये थे तीन में बेसिक डिफरेंस बिटवीन द मोंटी कार्लो एंड द लॉस वेगास। आई होप आपको पूरा समझ में आया होगा। अगली बार में मैं बात करूँगा रेंडमाइज एल्गोरिथम फॉर द मिन कट कॉन्सेप्ट के बारे में अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।